नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2019। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कुल पद है वो 496 है। योग्यता है वो 12वीं एवं 7वीं में ड्राइविंग लाइसेंस। फ्रेंड्स, चाहे लर्निंग हो या हैवी लाइसेंस हो, दोनों में से एक कोई सा भी लाइसेंस होना जरूरी है। फ्रेंड्स, जो वैकेंसी है सभी राज्यों के लिए है, लेकिन एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, जो बिहार राज्य से बिलोंग करता है वो कैटेगरी में जाएगा, एवं अदर राज्य से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करता है वो जनरल में जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें और सभी संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, इसमें कितनी फीस लग रही है और इसमें योग्यता मैंने आपको बता दी, 12वीं एवं 7वीं ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़ उसकी तरफ। फ्रेंड्स, ये इसका फुल नोटिफिकेशन है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी कुल पद वो 496 मैंने आपको बता दिया है। इनकी ऑनलाइन जो तिथि है वो 29/10/2019 से 29/11/2019 है। तो फ्रेंड्स, और भी इसके बारे में जो भी पूरी जो न्यूज है वो अपन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता ही दिया कि जो 12वीं पास है एवं 7वीं ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको बता ही दिया, एवं फ्रेंड्स जो भी बिहार राज्य के दो मदरसा बोर्ड वो भी प्रमाण पत्र वो भी चलेगा, बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा यूनिट का शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य प्रमाण पत्र ये भी चलेगा। फ्रेंड्स, ये बिहार राज्य के लिए, अदर राज्य के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति है, पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जिनके पास विज्ञापन की तिथि तक या इसके पूर्व का दो पहिया चार पहिया हल्का मोटर वाहन LMV अथवा भारी मोटर वाहन HMV चलाने सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालक अनुज्ञप्ति होगी, वो इस पद हेतु आवेदन करने योग्य है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता दिया जो लर्निंग है एवं हैवी दोनों इसमें चलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात और बताएं, इसकी उम्र है वो 1/8/2019 को काउंटिंग होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके पुरुष एवं महिलाओं की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है, मैक्सिमम उम्र है वो 25 वर्ष है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बता दूँ, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनकी न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष है एवं जो मैक्सिमम वर्ष है वो 27 वर्ष है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं और बता दूँ एवं इसमें जो छूट दी जाएगी फ्रेंड्स वो आरक्षण के अनुसार ही दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड होगा ऊंचाई और सेना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो ऊंचाई वो जनरल कैटेगरी के पुरुष एवं महिला वर्ग न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है, सभी वर्गों की महिला है उनके लिए 155 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, उसके अलावा बता दूँ जो SC ST कैटेगरी है उनकी जो न्यूनतम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बता दूँ जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके पुरुषों की जो न्यूनतम जो लंबाई है वो 162 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बता दूँ जो इसमें जो चेस्ट चाहिएगा वो जनरल कैटेगरी है, जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुला 21 सेंटीमीटर और फुल आकर 86 सेंटीमीटर, मिनिमम इसमें 5 सेंटीमीटर का फुला होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और बता दूँ मैं जो ST और SC जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है, जो फुलाकर 84 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, इसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें नियुक्ति प्रक्रिया देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा को होगा। तो फ्रेंड्स, जो लिखित परीक्षा होगी वो 10वीं एवं 12वीं। तो फ्रेंड्स, 12वीं लेवल की जो भी मैटर है वही इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी। फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र 2 घंटों में, 1 प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बताई नहीं है। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स और बता दूँ, लिखित प्रतियोगिता जो पाठ्यक्रम है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर सिलेबस के अंदर
देखा जा सकता है, तो वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं जो सिलेबस है मैं आपको जल्दी बता दूंगा इसमें क्या क्या मैटर आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बता दूँ लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा के लिए अर्हता है। तो फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, जो लिखित परीक्षा होगी उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होगा, उसके बाद में फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट आएगी। तो फ्रेंड्स लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, जो 100 अंकों का पेपर है उसमें 30% अनिवार्य है, अगर इससे कम अंक लाते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और बता देता हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्रेंड्स इसके बाद में द्वितीय चरण की परीक्षा जाती है। फ्रेंड जैसे आप लिखित परीक्षा पास करते हो उसके बाद में आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स उसमें भी 100 अंकों का पेपर होगा, उसमें दौड़ होगी वो 50 अंकों की होगी, जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील है वो 6 मिनट में, अधिकतम 6 मिनट में आपको करनी होगी। 5 मिनट से कम आपको 50 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक मिलेंगे। इसके अलावा 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक मिलेंगे। उसके बाद में 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये महिलाओं के लिए है। इसके अलावा इसमें गोला फेंक है 25 नंबर की। फ्रेंड्स सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फिट फेंकना होगा। 16 से 17 फिट फेंकेंगे तो आपको 9 अंक मिलेंगे, 17 से 18 फिट फेंकेंगे 13 अंक मिलेंगे, 18 से 19 फिट फेंकेंगे तो आपको 17 अंक मिलेंगे, 19 से 20 फेंकेंगे तो आपको 21 मिलेंगे। इसके अलावा 20 फिट से अगर ज़्यादा फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। लेकिन 16 फिट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया। फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताई थी। इसके बाद में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ऊंची कूद की। जो सभी कोटि के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 4 फिट ऊंचाई कूदनी है। तो फ्रेंड्स 4 फिट के लिए 13 अंक है, 4 फिट 4 इंच के लिए 17 अंक है, 4 फिट 8 इंच के लिए 21 अंक है, 5 फिट के लिए 25 अंक है। फ्रेंड्स 4 फिट से अगर कम कूदता है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स जो महिलाओं की है ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताई दी जो मेधा सूची है वो फिजिकल जो टेस्ट होगा एवं जो दौड़ होगी ऊंची कूद गोला फेंक अभ्यर्थ प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, जो मेरिट है वो भी इस आधार पर तैयार की जाएगी। रिक्ति मैंने आपको बताई दी फ्रेंड्स। उसके अलावा एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी वो 197 है, बैकलॉग रिक्ति कुछ नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS है उनके लिए 49 है, अनुसूचित जाति के लिए 79 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 89 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 59 है। तो फ्रेंड्स टोटल है वो 496 है, 3 बैकलॉग की है, 493 वर्तमान है। फ्रेंड्स मैंने बात आपको बताई दिया था जो आरक्षण है वो बिहार के जो स्टूडेंट के है उनके लिए लागू है। फ्रेंड्स उसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए आरक्षण लागू नहीं है, सब जनरल कैटेगरी फाइट करनी होगी। तो फ्रेंड्स वो मैंने बताई दिया था आपको जो वाहन चालक है मोटर वाहन चालन, तो फ्रेंड्स उसमें लर्निंग एवं हैवी दोनों लाइसेंस मान्य होंगे। फ्रेंड्स उसके बाद में चिकित्सा परीक्षण होगा। फ्रेंड्स आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो होना है ऑनलाइन, मैंने बताया दिया 29/10 से चालू है, 29/11/2019 फ्रेंड्स 1 महीने इसकी तिथि है। फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, जो फीस है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनारक्षित जनरल कैटेगरी है उनके लिए है 450 रुपये, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ST/ST कैंडिडेट उनके लिए 112 रुपये है। फ्रेंड्स इसमें डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, जो आपको ये PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अप्लाई लिंक भी वहाँ मिल जाएगी। फ्रेंड्स आपसे अगर फॉर्म अप्लाई नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जिससे मैं आगामी वीडियो फॉर्म कैसे भरे उसके लिए मैं बना दूँ।
फ्रेंड्स एक बात और बताऊँ तो जो मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो फ्रेंड्स आपको बिहार राज्य वालों को लगाना है, उसके अलावा जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की खबर। तो फ्रेंड्स हमारा आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एवं कमेंट करके ज़रूर बताएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।